हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की नई वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर आपके 12वीं पास या स्नातक को स्नातक वाले कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इन पदों पर। लगभग लगभग 100 के करीबन जो है पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और इन पदों पर कैसे आपको आवेदन करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और फॉर्म कैसे मिलेगा, ये एक तरह का ऑफलाइन फॉर्म है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट इच्छुक अभ्यर्थी हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसीज आपके निकल के आ रखी है उत्तराखंड में, वन विभाग में निकल के आ रखी है। इसमें देख सकते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति जो कि संशोधित करके दिया गया है, इसमें यहाँ पर जो है अर्हता को लेकर है, जिसमें यहाँ पर जो आंशिक संशोधन कर दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो है जो संशोधन न्यूनतम अर्हता है इसको लेकर, तो 12वीं पास होना चाहिए, 50% अंकों से ज़्यादा होना चाहिए। किस तरह पर जो है केवल मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास, पहले 50% से ज़्यादा लिखा गया था इसमें, तो 12वीं पास होना चाहिए। तो 12वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये विज्ञप्ति पहले भी निकाले गए थे और इसमें संशोधन करके निकाला गया है। यानी कि टोटल इसमें अगर बात करूँ तो यहाँ पर 100 से के करीबन जो है आपकी नेचर गार्ड की पोस्ट निकाली गई है, जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि 100 नेचर गार्ड की पोस्ट हैं। इस पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसका फॉर्म आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट अगर बात करूँ मैं इनकी, तो ये इसकी जो डेट है वो आपका यहाँ पर लास्ट डेट, एक मिनट बता देता हूँ मैं, यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर है 26/11/2022 को रखा गया है। और यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास होना चाहिए। तो इन पदों पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं जो भी पंजीकृत इच्छुक अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पर जो है अच्छे से देख लेना इसको, फॉर्म को पूरा पूरा लिखा गया इसके बारे में, और इस तरह का फॉर्म है, कैसे कैसे भरना है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इस डाउनलोड करना, नहीं तो इसकी जो ऑफिस साइट है ना, रामनगर की जो वन विभाग की ऑफिस साइट है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च करके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं।